नमस्कार, स्वागत है आपका वेब दुनिया समाचार में। बात करते हैं अब तक की बड़ी खबरों की। राहुल गांधी को नागरिकता के मुद्दे पर एथिक्स कमेटी का नोटिस। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को एथिक्स कमेटी ने नागरिकता के मुद्दे पर नोटिस भेजा है। लालकृष्ण आडवाणी वाली एथिक्स कमेटी ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी से इस सवाल का जवाब मांगा है कि क्या उन्होंने कभी खुद को ब्रिटिश नागरिक घोषित किया था। उल्लेखनीय है कि भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने पिछले साल प्रधानमंत्री को और बाद में भाजपा के पूर्वी दिल्ली से सांसद महेश गिरी ने जनवरी में लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन को पत्र लिखकर इस बारे में बताया था। लोकसभा अध्यक्ष ने इस मामले को आडवाणी की अध्यक्षता वाली कमेटी के पास भेज दिया था। गौरतलब है कि 2009 में भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी के पास विदेशी नागरिकता भी है। उन्होंने अपने इस आरोप में ये तथ्य रखा था। श्री श्री को ब्रिटेन की संसद को संबोधित करने का निमंत्रण। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरून ने अपने कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद मैथ्यू ऑफर्ड के माध्यम से रविवार को आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर को ब्रिटेन की संसद के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स को संबोधित करने का निमंत्रण दिया। ऑफर्ड ने यहाँ AOL के विश्व सांस्कृतिक महोत्सव में भाग लिया। आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर की संस्था आर्ट ऑफ लिविंग के 3 दिवसीय विश्व सांस्कृतिक महोत्सव का शांति और सद्भाव से मिलजुल कर रहने के संदेश के साथ रविवार को समापन हो गया। अंतिम दिन समारोह में हिस्सा लेने वालों में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्र बाबू नायडू, केंद्रीय संचार मंत्री रविशंकर, वरिष्ठ बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी, लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी शामिल थे। बांग्लादेश के युवा एवं खेल मामलों में मंत्री बीरेन सिकंदर और नाइजीरिया के पूर्व राष्ट्रपति ओलुसेजन ओबसानियो ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। मैसूर में भाजपा कार्यकर्ता की हत्या से तनाव। कर्नाटक के मैसूर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता राजू की हत्या के बाद तनाव की स्थिति बन गई। पुलिस राजू के हत्यारों को अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है और बीजेपी ने सोमवार को मैसूर बंद का ऐलान किया है। राजू की हत्या मैसूर के उदयगिरी इलाके में की गई, जब वो एक चाय की दुकान के पास खड़े थे। उसी वक्त कुछ लोग एक बाइक पर वहां आए और उन पर दराती से हमला करके फरार हो गए। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष प्रहलाद जोशी ने कहा कि राजू कई सामाजिक कार्यों में शामिल थे। उन्होंने अपने इलाके में गणपति मंदिर बनवाने में अहम भूमिका निभाई थी, जिससे कई लोग नाराज थे। शायद यही उनकी हत्या की वजह है। जोशी ने कहा कि उन्होंने लोगों से बंद के दौरान शांति बनाए रखने की अपील की है। भाजपा ने पुलिस से भी मांग की है कि हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि शहर में दोबारा ऐसी वारदात न हो।